देख सामने ऑल्टो जहाँ रिक्शे खड़े, ई रिक्शा जहाँ खड़े, अबे ई रिक्शा जहाँ खड़े सरप्राइज। अब बोल बोल, तूने ले ली कब ली? बता कब ली होगी? मुझे क्या पता, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पता था गाड़ी में आ रहे हैं। ऐसी होगी ना, इसमें ऐसी होगी। ओह माय गॉड, मैं गाड़ी में बैठी हूँ अपनी, वो भी सपना तो नहीं है? उठा मुझे, उठा, उठ जा, उठ जा। भाई चल लो यार, देख लो भाई कितने ट्रैफिक में चला रही है। वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग। तो आप भी, हम हैं गाड़ी के अंदर में और जा रहे हैं भाई आयशा को सरप्राइज देने। मेरा देख रहे हो भाई, सुबह उठते ही मैं बस निकल लिया, इतनी एक्साइटमेंट रहती है गाड़ी चलाने की। तो स्टार्टिंग है, पता है मेरे को रहती है, जैसे बाइक आती है नई नई वैसी गाड़ी भी आती है। बाकी अभी लर्निंग चल रही है, मैं भी एक प्रॉब्लम बची हुई है, वो मैं शॉर्ट आउट करा लूँगा शायद आज की डेट में। बाकी गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ हो गई है और चलने में भी मैं ट्रैफिक वगैरह में ही चला रहा हूँ अब, क्योंकि अपने को ट्रैफिक में ही हाथ साफ करना है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है भाई ड्राइव करने में, अब फील आ रहा है असली ड्राइविंग का। अपन भाई ड्राइवर भी अच्छे बन के दिखाएंगे, जैसे राइडर राइडिंग स्किल जैसे मैंने बढ़ाई थी ना अपनी, और बढ़ाई रहा हूँ अभी भी, वैसे ही अपन ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी कर लेंगे। सो गाइस, फाइनली अपन गाड़ी में और अभी आयशा के पास आ चुके हैं, आयशा के एरिए में। तो उसको बुलाते और सरप्राइज देते हैं गाड़ी का, कि कैसा रिएक्शन आता है, रिएक्शन कवर करते हैं सबसे पहले उसको। तो देखते हैं, अभी कॉल करते हैं उसको। आई नहीं तू? अरे अम्मी बाल छोड़ो मेरे। हेलो, हाँ बोल, कहाँ पे है तू? तेरे घर के पास। तूने मेरे को फोन करके उठाया पहले? तेरे को पता नहीं है मैं आने वाला हूँ, जल्दी आ, रेडी होके। क्या रेडी होके? जल्दी आ, बाहर खड़ा हूँ। 10 मिनट में आ रही हूँ, रुक जा, रुक जा। अभी उसको पता है नहीं, मैंने गाड़ी ले ली और मेरे को 3-4 दिन हो गया गाड़ी ले हुए, और अब जाके डायरेक्ट उसको गाड़ी दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। बाकी मिलते हैं उसके पास जब वो आएगी। लेकिन भाई जो भी है यार, गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आया और हाईवे तक लाया, ट्रैफिक में चलाई, सब जगह चला ली मैंने ऑलमोस्ट। बस अब बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करता रहूँगा उतना मेरा हाथ साफ होता रहेगा, बस यही था। और ये चीज़ अपनी ही गाड़ी पे होती है, ये चीज़ मैंने देख ली, दूसरे की मांग कर चला कर वो परफेक्शन नहीं आता जो अपनी गाड़ी से ही आता है। तो यही रीज़न था मेरा गाड़ी लेने का। बाकी देखते हैं, समझ में आता है तो ठीक है गाड़ी चलाएंगे, बाइक तो है ही भाई, बाइक तो अपनी पर्सनल है। भाई बालों को थोड़ा इग्नोर कर देना भाई, मैं नहा धो के नहीं आया हूँ, जल्दबाजी करी आज मैंने। आज भाई आयशा बहुत खुश होएगी उसके रिएक्शन देखने के लिए, बताऊँ मैं सच बता रहा हूँ, वो उसका वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, अब देखते हैं जो भी। अरे कीचड़ हो रही थी, रास्ता भी बंद था, देख आके कितनी सारी हो रही है, दिखाऊंगा तेरे को, जल्दी आ। आने वाली है भाई। हेलो, ऊपर तो आ जा, देखो गाइस बोल सामने लगी है कोई, ठीक है तू इधर आ, मैं नहीं आ रही, ये पूरा बाहर आ रही, मैं नहीं आऊंगी वहां पे, इधर आ तू। मैं यही तो खड़ा हूँ। कहां पे? सामने देख, सामने बिल्कुल स्ट्रेट, कहां सामने? नाक की सीध में स्ट्रेट, इधर इधर इधर। इसको पता ही नहीं चला। देख सामने, अरे सामने, कहां सामने, कहां, ध्यान से देख, नहीं दिख रहा? वापस चल जाऊंगी। अरे सामने तो खड़ा हूँ मैं। अच्छा सामने देख, एक ऑल्टो खड़ी है इधर इधर, देख सामने ऑल्टो, जहाँ रिक्शे खड़े, ई रिक्शा जहाँ खड़े, अबे ई रिक्शा जहाँ खड़े, गाड़ी में है। और क्या, खुद ही चला के लाऊंगा। तू हेलमेट लेके आई है। सरप्राइज, अच्छा था सरप्राइज।
तो ये रही हमारी गाड़ी। तूने ली ये उसकी है ना भाई की? नहीं चल यहाँ पे लगाएगा। खुश नहीं हुई तू? बहुत खुश हूँ। मैं सोचा अच्छा रिएक्शन देगी ये। कितना अच्छा रिएक्शन दिया मैंने। मुझे सच में नहीं होता था तू गाड़ी लेके आया। मैं बाइक और सच में मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कुत्ते को मैं ये सोची थी अगर तू वहाँ खड़ा होगा ना तो मैं तेरे को यहाँ पे बुलाऊंगी और ये कीचड़ का नाला पार कराऊंगी और फिर मैं तेरे को बोलूंगी अब तू मैं वहाँ खड़ी वहाँ पे। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। अच्छा ले पकड़ चलते हैं भाई। भाई बड़ा मस्त सरप्राइज दिया। बता कब ली मैंने? कब ली? ये तूने लिया सच्ची तेरी है। इसका भरोसा ही नहीं हो रहा गाइस। नहीं ये भी काम है तुम। अबे यार अभी भी भरोसा नहीं हो रहा इसको। नहीं उसकी नहीं है ये। नहीं उस भाई की नहीं। क्या नाम मोहित की? नहीं मोहित की वो दूसरी है स्टार। नहीं यार भाई गाड़ी तो वो थोड़ी है छोटी है ये गाड़ी उससे। अब बोल बोल। तूने ले ली? कब ली? बता कब ली? मुझे क्या पता। इसको पता ही नहीं है भाई। बताइए। मैंने ये ली कब ली थी? संडे को लाए थे हम संडे मॉर्निंग और आज है वीरवार। तूने इतने टाइम तक बात पेट में रख ली? और क्या तेरी तरह थोड़ी हुआ भाई। और लड़कियों के बात पेट में बचती नहीं है भाई वो बता देती है भाई। अपन तो भाई बचा देते हैं। मुझे गर्मी लग रही है मुझे पता था गाड़ी में आ रहे हैं। ऐसी होगी ना इसमें एसी होगी ना। गर्मी लग रही है भाई इसको एसी चला देते हैं। कैसी लगी? मस्त है। सच में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था ऐसा कभी सरप्राइज करेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भाई। मजा आ गया। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। हाँ रिएक्शन आया भाई। पैसा वसूल हुआ है। मुझे लगा कि चल मोहित आएगा घर पे। मोहित की उठा के ले आया। मोहित तो वही है हरिद्वार में। मैं हेलमेट लेके आई थी मुझे बिल्कुल। ये देखो गाइस हेलमेट लगी है। पर मैं ये सोच रही थी बाल क्यों खोल के आ गई बाइक पे तो सारे के सारे बाल खराब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मस्त मतलब मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मुझे लगता था ये ना हाँ ठीक है और बड़े बड़े मतलब दूसरे लड़के होंगे जो सरप्राइज करते हैं ऐसे। तू भी कर सकता है ये नहीं पता था मेरे को। ये आज सुबह जल्दी उठ के आज मेरा प्लान यही था गाइस कि ये गाड़ी इसको सरप्राइज ऐसा सरप्राइज मैं संडे को मंडे में सबको लेके आऊंगी सबको घुमाइयो। ठीक है मेरे फ्रेंडों को भी चलो चले तो तक लाइसेंस भी बनवा लियो। ओके क्या मैं लाइसेंस की गाड़ी चला रहा हूं। प्रैंक करेंगे या फिर शादी वाला प्रैंक करेंगे? नहीं इसने तो प्रैंक कर दिया। ऐसे प्रैंक करते रहा करो अच्छा लगता है। अरे मैं ये पहले बता देता मैं छुट्टी कर लेती। फाइनली ले लिया गाड़ी। और मुझे बिल्कुल मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ मुझे मतलब मिलेगा। मुझे लगा मैं ही जाऊंगी हाँ गाड़ी लेने के लिए इसके साथ फिर वहां से चला के लेके आएंगे फिर मुझे घर छोड़ दे ऐसा। मुझे पता था महाराज जी ले लेंगे और फिर लेने आएंगे। कितने के लिए? क्यों बताऊं? ठीक है ये सरप्राइज है मेरे लिए कार। और मेरे डायमंड की रिंग। भाई तो क्या भाई तो बेच के लिए। अच्छा हां सही बात है। जो मैंने तुझे दी थी कल रात सपने में उसका ध्यान रखियो। ठीक है वापस कर। ओके अब गाइस आपको बाहर की साउंड नहीं आएगी ट्रैफिक की हाँ, अब गर्मी आ गई। वैसे भी बाइक पर ट्रैवल करना गर्मियों में मुश्किल था। इसने भी कितने सही टाइम पे लिए गाड़ी। सर्दियों में बाइक पे घूम लिए गर्मियों में गाड़ी ले ली। क्या ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा था बढ़िया से प्रैंक वीडियो बनाएंगे मजा आ गई है। मेरे को गुस्सा है मैंने कहा इस टाइम पे आया ये आ रहा था 8 बजे आता 8:30 बजे आता मैदान में भी नहीं जा सकते। मैं सुबह से चिड़ी हुई थी तेरे ऊपर दादी जैसे उठ के तैयार हो रही थी। अब तो मेरे पास भी गाड़ी है। अपनी फ्रेंडों को चलाऊंगी मैं। अच्छा। मुझे वैसे यकीन था इसके ऊपर कि ले लेगा लेकिन मुझे लगता था कि ये ना जब इसको इंटरेस्ट आएगा ना लेने में किसी चीज को तो ये किसी की ना आड़ देगा ना बात आड़ देगा बस ये कर देता है। मैं ले लेता हूँ भाई। हाँ। मैं सोचता नहीं हूँ ये सोचता नहीं है किसी भी चीज के बारे में। अगर इसको नहीं करना ना तो अगला बंदा कह कह के मर जाए वो काम नहीं करेगा। और अगर इसको करना है ना तो एक दिन नहीं निपटा देगा सब। नहीं तूने कब सोचा? इंसान को 2-3 साल लगते हैं प्लानिंग करने में ये करने में। इसने सोचा 2-3 महीने पहले की गाड़ी लेनी है ठीक है ये देख के आया गाड़ियाँ और ये 3रा महीना भी कंप्लीट नहीं हो पाया इसने खरीद ली। माय गॉड मैं गाड़ी में बैठी हूँ अपनी वो भी।
सपना तो नहीं है, उठा मुझे, उठा उठ जा सर, उठ जा। ए भाई चल लो यार, देख लो भाई कितने ट्रैफिक में चला रही है, इसके पैर कांप रहे हैं, थर 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 थर, ये बस के बीच में फंस गया है दो, और ये सोच रहे मैं निकाल कैसे, डर रहा है। अभी भाई स्टार्टिंग है भाई, पुलिस वाला देख रहा है अपन को, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, चला मोड़ेगा नहीं, वो सीधे जा रहा है, मोड़ ली, तेरे को कैसे पता मोड़ेगा। ओ माय गॉड, ट्रू लव, ट्रैफिक पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि हमने सीट बेल्ट पहनी है। ये भाई देख रहा है अपन को, ओ माय गॉड, लोग देख रहे हैं हमें, कि दो बंदर बैठे हैं गाड़ी में। ये अंकल गाड़ी में सिगरेट पी रहे, बदतमीज अंकल, तमीज नहीं है तुमको, दूर में पान कर रहे हो तुम गाड़ी में, दूर में पान करने आ गए। हाय, आई एम वेरी हैप्पी अपनी गर्लफ्रेंड को, मेरे ना आज आज ऐसे ऐसे हो नहीं रही है, ऐसे क्या मैं मुंह बना के बैठती हूँ, दांत ही निकले हुए तब से। अपनी चीज की अलग ही खुशी होती है, वो भी जब ना अब तू ये मेरे को दे देगा ना, अब ये ने मेरे लिए खरीदी है, अब मैं बस 3-4 दिन ड्राइविंग सीखने में लगाऊंगी और 2-3 साल लगेंगे लाइसेंस बनने में, क्योंकि एक दो बार तो रिजेक्ट हो जाऊंगी ना। अच्छा हाँ, माय गॉड, फिर बंद हो भाई, बेबी चिल्लाएंगे पीछे से, उरन देंगे, उरन। जैसे हम देते हैं गाड़ी वाले को, क्या है भोजड़ी की। ये चली गई भाई अपने ऑफिस में, तो अभी अपन चलते हैं भाई, मुंडका जाना पड़ेगा मेरे को, इसका जो इंजन चेक लाइट है ये काम करवाना है, जरूरी है, एक नॉक सेंसर करके आता है तो उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं क्या रहता है। सीनियर टेक्नीशियन आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, सीनियर ड्राइवर बोले तो, अभी हम जूनियर है भाई, धीरे धीरे सीनियर होंगे, थोड़ा सा ना अटकता है लोग, हो गया, चाबी दोनों मिली है, एक मिली अभी, वो कह रहा है खोई हुई है घर में, मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा। म्यूजिक सिस्टम चेक कर लिया, सब ओके है, एसी देख लिया, हीटर में दिक्कत है, हीटर कोयल चोक पड़ी है, बाकी ये माल फंक्शन जा नहीं रहा, बाकी चेक करवाया मैंने लोकल मैकेनिक से, तो क्या नॉक सेंसर करके कुछ आ रहा है और रेड साइन आ रहा है, रेड सिग्नल, बाकी चला के देखो, एक्सपीरियंस बताते रहो भाई। हमने मारुति 800 लगेंगी, अभी हम इसकी ट्रायल लेंगे, तो इसके पहिए आगे आगे चलेंगे, हम पीछे पीछे
मिसिंग मार रही है गाड़ी यार, मिसिंग मार रही है। कुछ कचरा वचरा आ गया, सेंसर वेंसर लो, नॉकिंग सेंसर। पेट्रोल में भी मार रही है, पेट्रोल में ओके चल रही है, यानी हल्की हल्की मार रही है पेट्रोल में। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो पेट्रोल में कम होती है और सीएनजी में ज्यादा होती है। और ये गाड़ी तो वैसे भी हल्की, 800 सीसी इंजन है इसमें, तो ज्यादा होगी।